देख रहे हैं अंबर टाइम्स। ये वीडियो है दिल्ली मुंबई एट लेन एक्सप्रेस वे के, जो जिले के धामनोद से होकर गुजर रहा है। इस एक्सप्रेस वे पर फिलहाल आवागमन शुरू नहीं हुआ। इसके आसपास के खेतों के मालिक किसानों के लिए परेशानी का सबब बने। इस एक्सप्रेस वे पर फिलहाल अलग नजारा देखने को मिल रहा है। इस एक्सप्रेस वे पर किसान फिलहाल थ्रेसर मशीन से अपनी सोयाबीन निकाल रहे हैं। एक्सप्रेस वे बनने से आसपास के किसानों के खेत 7 से 10 फीट तक नीचे हो गए। कई खेतों की तो यह स्थिति है कि आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा है और ट्रैक्टर ट्रॉली थ्रेसर सहित मशीनें नहीं पहुंच पा रही है। बारिश के बाद सोयाबीन की फसल खेतों में पक गई है। ऐसे में दिल्ली मुंबई एयरप्लेन एक्सप्रेस वे पर ही सोयाबीन निकालना किसानों की मजबूरी बन गया है। मजदूरों से कटाई के बाद किसान फसल को एयरप्लेन एक्सप्रेस वे पर ला रहे हैं और यहीं पर प्रेशर से सोयाबीन निकाल रहे हैं। 7 महीने पहले जब आसपास के किसानों ने कलेक्टर को समस्या बताई थी, तो उन्होंने एक ट्रेन के दोनों तरफ 33 मीटर का रास्ता देने की बात कही थी और कहा था कि इसका प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजा है, लेकिन आज तक रास्ता नहीं मिला। अगर यही स्थिति रही तो किसानों को आने वाले समय में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारतमाला परियोजना के तहत मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाला यह एट लेन एक्सप्रेस वे का 90 किलोमीटर का हिस्सा रतलाम जिले से गुजरता है, जिसमें रतलाम के पास धामनोद, जावरा, नामली, शिवगढ़ क्षेत्र के हिस्से हैं। रतलाम जिले का हिस्सा लगभग पूरा बन चुका है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए किसानों की जमीन भी अधिग्रहित की गई थी, जिसके चलते कई किसानों के खेत जमीन दो हिस्सों में बंट गए। इस एक्सप्रेस वे के आसपास के किसानों को उनके खेतों में आने जाने का रास्ता नहीं दिया गया, जिसके कारण किसानों को अपने खेतों में फसल बोने और निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एटलैन एक्सप्रेस वे से परेशानी का सामना कर रहे किसानों ने बताया, परेशानी ये है कि सर हमारे यहाँ खेत पे जाने का रास्ता ही नहीं है। जब से 2 साल हुए बने हुए है तो परेशानी आ रही आने जाने में। क्या परेशानी आ रही, किस तरह से? खेत में जा नहीं सकते अभी तो, जैसे कि जैसे तैसे सोयाबीन रोड पे निकाल रहे हैं, उसके बाद बोने में तकलीफ आएगी। अब बोने का रास्ता ही नहीं है अगली फसल। तो क्या करना चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? तो रोड के साइड में जगह मिले हमको आने जाने के लिए। बारिश में भी कोई परेशानी आई थी आप लोग? बारिश में तो बहुत परेशानी आई। क्या परेशानी आई थी? बारिश में भी नहीं जा सके खेत पे, दवाई वगैरह छिड़काव नहीं करवा सके। तो कितना नुकसान हुआ आप लोगों को इससे? नुकसान तो क्या है, डबल मजदूरी लग रही है यहाँ लाने में। अब यहाँ जो आप 4 लेन पे कर रहे हैं, किसी ने मना वगैरह तो नहीं किया आप लोग? मना तो बोलते हैं, लेकिन अब क्या करो, हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे मत निकालो, धूल हो रही। लेकिन अब कहाँ निकाले, खेत में तो ट्रैक्टर ही नहीं जा रहा। कितने किसान होंगे ऐसे आपके जैसे? होंगे 200 किसान लगभग। तो आप लोगों ने प्रशासन वगैरह को नहीं बोला क्या? प्रशासन को भी बोला, आवेदन भी दिया जन सुनवाई में, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। जब से एट लाइन बनी है, जब से हमारे को फसल बोने करने फसल निकालने में सब में तकलीफ हो रही है। यहाँ पे क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ वहाँ से दूसरे खेत से लाना पड़ता, रास्ता नहीं है हमारे, ना तो ट्रैक्टर जा पा रहे हैं खेत में और ना कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने क्या उपाय निकाला है? क्या उपाय लाए, सरकार तो कुछ निकाल ही नहीं रही। हमारे को खुद को वहाँ से मजदूर ला ला के नुकसान हो रहा है, फिर भी हम यहाँ ला के निकाल रहे हैं। यह अभी तो बंद है तो निकाल रहे हैं, बाद में यदि ये चालू हो जाएगा तो बाद में सरकार थोड़ी निकालने देगी हमारे को यहाँ पे। क्या तो फिर इसके लिए आपने प्रशासन से बोला कि नहीं बोला? प्रशासन में कलेक्टर में भी आवेदन भी दे दिया है, यहाँ पे रिपोर्ट भी लिखवा दी, चौकी भी जाके बोल दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, कितने किसान होंगे आप जैसे? 150-200 जने हम। तो फिर भी कोई, तो आप लोग क्या चाहते हो इसके लिए? हमें रास्ता मिल जाए हमारे को व्यवस्थित, हम जहाँ आ पाए हमारे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एट लाइन की वजह से। कितने किसानों ने यहाँ सोयाबीन निकाली होगी इसे? सभी ने निकाली यही लाके, क्योंकि नीचे जाने का ट्रैक्टर तो जगह है ही नहीं। शेर हम मारते नाम राजाओं का होता, शेर मारने के कारण हमें सिंह की उपाधि मिली। यह खुलासा मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जिले के पिपलोदा में किया। प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने रतलाम में अपने नाम के आगे सिंह लगे होने का खुलासा करते हुए कहा कि काम हम करते थे लेकिन नाम राजाओं का होता था। मंत्री सिंह रतलाम जिले के पिपलोदा में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के शिविर में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोगों को सिंह की उपाधि राजाओं ने दी है। रीवा संभाग में राजा के समय बहुत शेर हुआ करते थे, राजा लोग शिकार पर जाते थे तो हमारे समाज के लोगों को हाका करने के लिए ले जाते थे।
शिकार के लिए बनाए गए मंच पर राजा लोग दारू पीकर पड़े रहते थे। हमारे लोगों को राजा बंदूकें थमाकर पड़े रहते थे। जब हमारे लोग शेर मार देते तो राजा सबको बताते थे कि शेर उन्होंने खुद मारा है और हमें इसलिए शेर मारने के कारण राजा ने सिंह की उपाधि दी थी। मंत्री बिसाहूलाल सिंह का यह खुलासा क्या इस बात को इंगित नहीं करता कि काम तो छोटे लोग करते हैं लेकिन नाम केवल बड़े राजाओं का होता है। दो दिवसीय दौरे पर आए मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने पिपलोदा और जावरा में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविरों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया, और सिंह कहां से बना? हमारे यहां रीवा संभाग में जहां से नर्मदा नदी निकली है वहां पे एक जमाने में बहुत शेर हुआ करते थे और रीवा राज के राजा शेर का शिकार करते थे। शिकार तो कर नहीं पाते थे, हम लोगों को लेके, हमारे समाज के लोगों को लेके हाका करवाते थे, मंच बनवा के और बंदूक थमा देते थे और हम लोग जब शेर का मार देते थे तो राजा बोलता है वाह मैंने मारा है, तो इसलिए हमें सिंह की उपाधि दे दी गई, इसलिए सिंह हो गए। हमारे यहाँ सिंह इसलिए माना जाता है, राम खिलावन जी को मालूम है, ये भी हमारे राज के राजा जो होते हैं मंच में बैठ के दारू पी के पड़े रहते थे और हम लोगों को लगा देते थे कि जाओ भाई शेर मारो, और जब मार लेते थे शेर तो राजा का एहतसाब आप ही मारा, इसलिए राजा ने शेर का सिंह का हम लोगों का उपाधि दिया, इसलिए बिसाहूलाल सिंह हो गए। आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत कर मुस्लिम समाज ने सद्भावना की मिसाल पेश की है। अलग अलग शाखाओं से रोज आरएसएस के द्वारा पथ संचलन निकाला जा रहा है। हकीमवाड़ा क्षेत्र से संघ ने पथ संचलन निकाला जो काजीपुरा से होते हुए शेरानीपुरा जमात खाना आनंद कॉलोनी होते हुए कालिका माता में समाप्त हुआ। इस दौरान शेरानीपुरा काजीपुरा में मुस्लिम समाज द्वारा पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। मुस्लिम समाज ने स्वागत के लिए यहां मंच लगाया था और आपसी सौहार्द की मिसाल पेश कर मुस्लिम समाज ने स्वागत करते हुए आपसी सौहार्द का संदेश भी दिया। जैसे ही एक साथ कदम ताल करते हुए आरएसएस के स्वयंसेवक मंच के सामने से निकले तभी मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा की और स्वागत भी किया। मुस्लिम समाज युवक इब्राहिम शेरानी ने बताया, हम बड़ा हर्ष रहा आज हमें जो मुस्लिम ये जो हमारा इलाका शेरानीपुरा जमात खाना के सामने से इस इलाके में पहली बार आरएसएस का जो संचलन निकला है इसका मुस्लिम समाज ने बहुत स्वागत किया। हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारे यहाँ बरसों से हमें तमन्ना थी कि जुलूस निकले और ये शांति और सद्भावना का एक मिसाल देते हैं, इसीलिए हमने स्वागत किया। जय हिंद, भारत माता की जय। इधर धौंसवास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया जिसमें बच्चे व युवाओं ने भाग लिया। पथ संचलन राम मंदिर से प्रारंभ हुआ और पूरे नगर में भ्रमण किया। बौद्धिक वक्ता विकास पाटीदार ने समाज जनों को संबोधित करते हुए यह कहा कि हमें अपने संस्कारों व संस्कृति से जुड़े रहना है, हमें अपनी भाषा वेशभूषा भोजन भजन को शुद्ध सात्विक व स्थानीय परंपरागत रीति रिवाजों अनुसार ही रखना है। त्योहारों के कारण बाजारों में बड़ी भीड़ ने ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। तेजी से भागते वाहनों के अव्यवस्थित आवागमन के कारण सड़क हादसों की शुरुआत हो गई है। राम मंदिर क्षेत्र में एक दुपहिया वाहन ने पैदल जा रहे राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में जवाहर नगर निवासी 26 वर्षीय आकाश पिता महेश बेरवा घायल हुआ है। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल आकाश ने बताया, आकाश जा रहा, कहाँ रहते हो? जवाहर नगर 50।
कैसे हुआ एक्सीडेंट, कहाँ पे हुआ? एम्बुलेंस आ रहा था, कैसे हुई टक्कर? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों मादक पदार्थ की तस्करी एवं उसके अवैध व्यापार को लेकर जारी हुए दिशा निर्देश को देखते हुए जावरा शहर से लगे उन ढाबों में जिसके की मालिक या परिवार के कोई भी सदस्य मादक तस्करी या मादक वस्तु के व्यापार में अथवा पुलिस रिकॉर्ड में संलग्न पाए गए हैं, उन पर प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई की। देर शाम को SDM कार्यालय जावरा में SDM एवं CSP जावरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में किसी भी शहर पर कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के तहत जावरा शहर के आसपास बने हुए ढाबे मालिकों की जांच करने पर पता चला कि अधिकांश ढाबा मालिक ढाबे की आड़ लेकर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त पाए गए। 29 ढाबों को नियमानुसार अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण से मुक्त हुई भूमि की कीमत 3,25,00,000 के लगभग बताई गई है। एक ढाबे से 2 मुहा सांप भी बरामद कर वन विभाग के द्वारा जंगल में छोड़ा गया है। इस सांप की कीमत लाखों में बताई गई है। CSP जावरा ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद अपराधी और आगे न बना पाए, इसके लिए समय समय पर इस तरह की वैधानिक कार्रवाई की जाती रहेगी। SDM जावरा हिमांशु प्रजापति और CSP अभिषेक आनंद ने बताया, नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश को नशे से मुक्त करना है और जो भी लोग इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी है। उसी के परिपालन में पूरे प्रदेश भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं और रतलाम में भी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। इसके अंतर्गत आज जावरा उपखंड में पिपलौदा तहसील में 3 गांवों के में जो ढाबे बने थे उनको तोड़ा गया है। सभी ढाबे जो जावरा IA थाना है उसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो ढाबे थे उनमें कहीं ना कहीं से ये सभी मादक पदार्थों की तस्करी में या उनके व्यापार में संलिप्त थे और सभी के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हैं, चाहे वो रतलाम जिले में हो या रतलाम जिले से बाहर। तो इन सभी को चिन्हित करके कार्रवाई की गई। सर, पुराने प्रकरण दर्ज थे इनपे या नए इन्होंने किसी मामले के अंदर अपनी हिस्सेदारी की? इसमें जो प्रकरण इनके खिलाफ जो आपराधिक रिकॉर्ड था उसमें सभी रिकॉर्ड निकाले गए हैं। कुछ जो थाने के HS रहे हैं, कुछ पहले से बहुत पुराने जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, कुछ अभी के टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबकी इनकी या इनके परिवारजनों की संलिप्तता पाई गई है, तो उसके बेसिस पे फिर ये पूरी स्क्रूटनी करने के बाद ही कार्रवाई की गई। कितने ढाबे ऐसे चिन्हित किए थे सर आपने? उनकी लागत कितना है, वैल्यूएशन क्या था? ये टोटल 29 ढाबे जो तोड़े गए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू अराउंड 3.2 करोड़ है, तो इतने का आज निर्माण तोड़ा गया है। वैज्ञानिक सर, विचित्र प्रजाति का कोई जंतु भी वहाँ से मिला है? एक ढाबे से एक दिन मिला है, दूसरे दिन भी मिला? बिल्कुल, एक ढाबा जो हमने हसनपल्ल्या में तोड़ा है वहाँ से हमें एक रेड सेंट बोआ स्नेक बरामद हुआ है, और जो कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें वो Schedule 4 में एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है। तो जैसे ही हमने देखा हमने वन विभाग को इन्फॉर्म किया और वन विभाग ने फिर उन पर कार्रवाई करी। सर, ये कुछ मालूम पड़ा सर इस सांप का क्या करते हैं, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है? देखिए, जैसा अब इतनी हमें जानकारी नहीं है, बट वन विभाग के द्वारा जैसा बताया गया कि इनको एज एन ओमेन ऑफ गुड लक को मानते हैं और इसलिए लोग इसको रखते हैं कि शायद उनकी किस्मत सही रहे, और इसको बेचा भी जाता है, हालांकि पूरी तरीके से अवैध है बेचना और इसकी किसी प्रकार की तस्करी करना। सर, इसमें किसी व्यक्ति को हिरासत वगैरह में लिया गया? बिल्कुल, जो उनके मालिक हैं उस ढाबे पे जहां से बरामद हुआ है उनको हिरासत में लिया गया और वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों दुष्कर्म के मामलों का भी ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुलिस मामला तो दर्ज कर रही है लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर ही रहते हैं। माणकचौक थाना क्षेत्र के भगतपुरी में आरोपी खेमराज उर्फ बाबू माली ने युवती का अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी खेमराज युवती को पिछले 6 सालों से धमका कर उसका शोषण कर रहा था। दुष्कर्म के इस मामले की पीड़िता की शिकायत पर आरोपी खेमराज उर्फ बाबू माली के विरुद्ध भी दुष्कर्म पास्को एक्ट और SC ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मामले की जानकारी देते हुए माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, परसों एक महिला ने थाने में आकर रिपोर्ट की थी कि उसका खेमराज नाम का लड़का है, इससे पिछले 3-4 साल से अश्लील फोटो दिखाकर उसका दुष्कर्म कर रहा है,
सूचना पर विधिवत कार्रवाई जारी की गई है, उसकी विवेचना जारी है। सर कहाँ का रहने वाला है? ये त्रिवेणी का रहने वाला है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।